अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन की एक ऐसी मज़ेदार सब्ज़ी यानी बैंगन की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि अरे वाह मज़ा आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी भी है, तो चलिए मज़ेदार बैंगन की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब इस तरह रेड कलर में लिखा होगा, इसे प्रेस कर दें आप। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे बेल आइकॉन नजर आएगा, यह है बेल आइकॉन, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। ऑल क्लिक कर दें तभी आपको मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। जल्द से जल्द सब्सक्राइब प्रेस कर दें और बेल आइकॉन में ऑल भी। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें। एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दें, बड़ी ना हो तो 2 मीडियम साइज की प्याज ले सकते हैं आप। इसको अच्छे से भून लें गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज का रंग देखिए बहुत अच्छे से सुनहरा हो गया है। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, कच्ची बुझाने तक भूनिए। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें मीडियम से थोड़े बड़े साइज के 2 टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को अच्छे से भून लें। टमाटर तो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, फ्लेम को लो पे रख दें और उसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, यानी 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हल्दी 3/4 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून मूंग दाल को थोड़ा सा रोस्ट करके डालें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम बैंगन को देखिए इस तरह से कट करके रख लिया है, पानी में डाल के रखिए। बैंगन को इसमें डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लें। बैंगन को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ बैंगन को हम भून लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम रखिए। इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। तीखापन कम चाहिए तो 1 हरी मिर्च डालें या हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी 2 या 3 टीस्पून डाल दें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे फिर से मिक्स कर लें। बहुत ही ज्यादा मजे की बैंगन की रेसिपी है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। इसे रोटी के साथ खाइए, फुलके के साथ या नान से, बहुत मजा आएगा आपको। थोड़ा सा पानी डाल दें, 1 कप डाल सकते हैं। एक बार आप नमक चेक कर लें, अगर कम लगा तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लें और जब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें और बैंगन अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। बहुत ही ज्यादा मजेदार बैंगन की सब्जी देखिए हमारी तैयार है, कितनी मजे की लग रही है। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे आप जरूर बनाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। अगर आपको बैंगन और ज्यादा सॉफ्ट चाहिए तो इसे और थोड़ी देर पका सकते हैं। इस तरह पकाने से देखिए ग्रेवी भी ज्यादा होगी, आप चाहें तो इसे ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की मजेदार बैंगन की सब्जी की रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल वेज विद फेम को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी जरूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।